ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आइए आज हम एक रीडिंग करने चले हैं कि आपके पार्टनर अगर आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे किसी भी रीज़न से, चाहे वो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या कोई प्रॉब्लम आई है या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से वो बिल्कुल साइलेंट है फ्रेंड्स, तो हम उस पर एक रीडिंग बनाने जाएंगे। और ये रीडिंग आप सन एंड मून साइन जो भी आपका मैच करता है या फिर अपने नाम के हिसाब से जो आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और मैं आपसे एक और बात कहूँगी कि जिन लोगों ने भी आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं इस पर वीकली रीडिंग्स डालती हूँ। प्लस आप अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको रीडिंग्स आती रहें। सो फ्रेंड्स, अभी हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकालेंगे कि क्यों साइलेंट हैं। बेसिकली हम उनके साइलेंट होने का रीज़न निकालेंगे और क्या चाहते हैं वो, उनके अगर मन में कोई बात है उनके लव मैसेजेस निकालेंगे, एंड फाइनली आपको क्या डिवाइन गाइडेंस मिलती है, आपको क्या इस सिचुएशन में करना चाहिए उसके ऊपर निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती कोई भी बात को, कोई भी चीज़ को अपने ऊपर इम्पोज करने की या ज़बरदस्ती लागू करने की ज़रूरत नहीं है। और एक लास्ट बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहा है, देखिए ये फ्री रीडिंग्स नहीं है। फ्री रीडिंग ये है जो मैं यूट्यूब पर कर रही हूँ, वहाँ पर पेड रीडिंग होती है और पेमेंट के बाद ही रीडिंग होती है। कई लोग मुझे फ्री रीडिंग के लिए कहते हैं, प्लीज़ आप मुझे फ्री रीडिंग नहीं करें, हमें तो पता ही नहीं था मैम कि ये फ्री नहीं है, हमें तो लगा फ्री है पेड है, नहीं है। तो देखें, आप कोई अपना टाइम ऐसे तो किसी को नहीं देगा ना फ्री रीडिंग्स करने के लिए। फ्री रीडिंग्स के लिए ये चैनल पर है जहाँ पे YouTube मेरे को पेमेंट करता है, इसलिए मैं यहाँ पर रीडिंग्स बनाती हूँ। वहाँ पर मेरी पेड रीडिंग्स हैं जहाँ आप अपनी बात लेके आते हैं और मैं आपको आपकी पर्सनल कार्ड्स निकाल के रीडिंग निकाल के देती हूँ। सो आपको आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हों। अब हम इस पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। सो एक्वेरियस राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर क्यों साइलेंट हैं, क्या रीज़न हैं उनके साइलेंस के, क्या ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि उनको इतना बुरा लग गया है कि वो साइलेंट हो गए हैं। सो आइए देखते हैं रीजंस ऑफ देयर साइलेंस। जो हर्मिट का कार्ड है फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस, देखिए पार्टनर भले ही साइलेंट हैं आपसे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये है कि साइलेंस में रहकर वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। उन्हें इतना पता है कि आप दोनों एक बहुत ही पैशनेट हैं एक दूसरे के लिए, बहुत फायरी एनर्जी है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को बहुत समझते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं लाइफ में। आगे चल के आप दोनों के अंदर एक ऐसा मतलब पैशन है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर आगे चलते हैं, इतना उन्हें कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। एज ऑफ नाउ शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं, या फिर एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा आपको हार्श जवाब दे रहे हैं, आपको उल्टा सीधा गुस्से में बोल भी देते हैं और काफ़ी आपको हर्ट हैं ये बातें। बट स्टिल वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो वो अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, उनका सारा ध्यान अपनी हीलिंग पर है। ठीक है, उनको लगता है कि उन्हें पहले खुद को हील करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि फाइनली बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो एक्वेरियस, देखिए उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें थर्ड पार्टी में डाला है या फिर उनकी तरफ से ये थर्ड पार्टी आई है। अब ये थर्ड पार्टी जिसने भी क्रिएट की है, चाहे वो कोई घर परिवार का बंदा है या कोई लव अफेयर है या कोई काम वगैरह या आपस की लड़ाई झगड़े की नेगेटिविटी, जिसकी सिचुएशन में जो अप्लाई होता है वो आप वो लगाना, तो वो चाहते हैं कि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो किसी तरह, इसकी किसी तरह से डेथ हो, एक दोबारा से साइकिल रीस्टार्ट हो, दोबारा से चीज़ों में एफर्ट हो। पर वो एफर्ट चाहते हैं कि आप करें, वो खुद मुझे नहीं दिखता कि खुद वो एफर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखें उन्होंने तो जजमेंट के कार्ड से डिवाइन पे छोड़ दिया,
मतलब खुद कुछ नहीं करना। तो उन्होंने तो अपनी ये सारी चीज़ें भगवान पर, खुदा पे छोड़ दी हैं, या कह लो वक्त पे छोड़ दी हैं। वक्त भी एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, एक ऐसा बहुत बड़ा वो है जो सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल देता है, तो वो उस पर छोड़ दिया है। और एस ऑफ वॉन्ड से मुझे क्या दिख रहा है कि वो ये सोचते हैं कि शायद जब वक्त पे छोड़ देंगे चीज़ें तो एक नई बिगिनिंग अपने आप हो जाएगी, थर्ड पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी और लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और जो चैलेंजेस और जो प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं हम दोनों के बीच में वो भी वक्त एक ऐसा आएगा कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। जैसे खुद ख़राब हुई हैं ऐसे ही खुद ठीक हो जाएंगी। तो ये उनकी अभी फ़िलहाल की साइलेंस रहने की रीजंस हैं जो वो अपने मन में बना के बैठे हैं, जो वो अपने मन को समझाते रहते हैं कि भाई ये बात है, और वो इसलिए चुप हो गए हैं। ठीक है, अब मैं देखती हूँ क्या उनके कुछ लव मैसेजेस हैं। क्वेरियस, वो आपको कुछ लव मैसेजेस देना चाहते हैं, उनके लव मैसेजेस देखते हैं क्वेरियस के पार्टनर की तरफ से। सो यू आर माई सोलमेट, इस चीज़ का उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप उनके सोलमेट हैं। ठीक है, तो ये वो आपको कहना चाहते हैं, यू आर माई सोलमेट एंड यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, यानी कि जैसे हंसी मजाक में कुछ ऐसी चीज़ें कर देना, तो ऐसा उनको लगता है कि आप उनके लिए कुछ भी कर देते हैं हंसी मजाक में उनको खुश रखने के लिए। ठीक है, सो ये थे उनके लव मैसेजेस। आइए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है, क्या कहती है डिवाइन। आपको कुछ लेसन या कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं। सो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ये चीज़ ना आपको खुद देखनी है एक्वेरियस। अपने मन में अपने अंदर ना कहीं इस चीज़ का आकलन करें कि आपको कौन सी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है, कि आपको उस इंसान को छोड़ने की ज़रूरत है या अपने अंदर किसी आदत को बदलाव करने की या किसी स्ट्रेस को लेने की या नेगेटिविटी को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, और फिर चेक करके देखें। अब फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो एक क्लाइमेक्स होता है ना, जैसे हम मूवी देखते हैं तो एक क्लाइमेक्स आता है, सो वो वाला टाइम अब आ रहा है जिसमें एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में, आप वो देखें। होल्ड योर विजन का मतलब है जो सपने आपने देखे हैं या जो आपने अपनी लाइफ के लिए एक विजन क्रिएट किया हुआ था, आप उसको बना के रखें, उसे छोड़े नहीं। कहीं ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से या पार्टनर के कुछ टाइम चुप रहने की वजह से आप उन्हें छोड़ ना दें या उन चीज़ों को छोड़ ना दें, तो उन्हें बनाए रखें। ठीक है, तो ये थे आपकी रीडिंग फ्रेंड्स एक्वेरियस। होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हो। क्लेम करना एनर्जी को फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करना, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर मेंशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।